सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। वालेकुम, मैं हूँ रुखसाना अख्तर और आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह ताला खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ, यानी मैं आज चीज़ पराठा बना रही हूँ, चिकन वाला भी और प्लेन भी। इसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी, बच्चे जो हैं वो ख़ास तौर से इसकी फरमाइश कर रहे थे, बच्चों को ये पराठा बहुत पसंद होता है। तो चीज़ के बारे में ज़रा मैं आपको कुछ बता दूँ कि चीज़ जो है ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर चीज़ है, जिगर को मजबूत बनाती है, बीपी को नॉर्मल रखता है ये, इससे हमें प्रोटीन मिलती है, कैल्शियम विटामिन मिलते हैं और हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, एलर्जी से हमें बचाती है, आसाब को ताकत देता है, ये बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसलिए बच्चों के लिए तो ख़ास तौर से इसका इस्तेमाल लाजिम बना लें। जिन बच्चों का वज़न कम है उनके लिए ये जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कैंसर से हमें बचाती है, बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाता है ये। तो हम जो हैं किस तरह इसको बनाएंगे, हम बताते हैं कि एक कप मैंने मैदा लिया है और एक कप जो नॉर्मल आटा होता है रोज़ हम इस्तेमाल करते हैं रोटी पकाने के लिए वो डाला है इसमें, और 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल दिया मैंने और 1/2 टेबल स्पून नमक डाल दिया है। अब हम इसको गूंदेंगे, खूब अच्छी तरह से पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे और फिर बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इसको हम ना बहुत ज़्यादा इसको ना इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखेंगे ना बहुत ज़्यादा हार्ड करेंगे, दरमियाना जो है इसको रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे इसको जैसे आप रोटी के लिए आटा गूंदते हैं इसी तरह इसको गूंदेंगे। आटा ये इस तरह गूंद लिया है, इसको आटे आधे घंटे के लिए उठा के रख देंगे और फिर आपसे मिलते हैं आधे घंटे बाद। तो ऑयल लगा के थोड़ा सा इसको ये आधे घंटे हो गया था हमने रख दिया, उसके बाद मैंने इस तरह से छोटे छोटे इसके पेड़े बना लिए हैं और अब जो है हम एक पेड़ा ये लेके और इसको जो है एक इसकी बारीक सी पतली सी रोटी बनाएंगे, इसके किनारों को इस तरह से कर लेंगे, पतला कर लेंगे बिल्कुल। ये वाला परांठा तो हर किसी को आता है, चीज़ परांठा बहुत आसान है। इस तरह से एक रोटी बेल लेंगे यहाँ बिल्कुल बारीक सी, इस तरह से हम फिर बिल्कुल पतली सी रोटी बना लेंगे कि हम बारीक सी हो जाए ये हमारी। इसके बाद हम इस तरह से इसमें थोड़ा सा मक्खन या ऑयल लगा देंगे, इस तरह इसको होल्ड कर देंगे। और इसके बीच में चीज़ रख देंगे, इस तरह से इसके साइडों को दबा देंगे ताकि चीज़ जो है बाहर ना निकले, थोड़ा सा इसको दबा देंगे। चीज़ जो है हमारी बाहर ना आए और ये खूबसूरत सा भी बन जाएगा। चने बनाते हैं, तवे पे डाल दिया हमने, बहुत ही मज़ेदार हमारे चीज़ पराठा जो है ये बन रहा है और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और अच्छा है, बच्चे जितना खाएंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इन चीज़ों में क्योंकि चीज़ पड़ी भी होती है, ये बच्चों के लिए एक तरह से ताकतवर भी है, लेकिन आप घर में बना के खिलाएँ, बाहर की चीज़ें नहीं। कितना फूल रहा है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा लग रहा है और बच्चों को इस तरह के परांठे छोटे जो है बहुत पसंद होते हैं, बच्चे इसलिए इस तरह के परांठे बहुत शौक से खाते हैं। और अब हम इसको पीछे से भी दिखाते हैं, देखें कितना प्यारा कलर आ गया है इसका, तकरीबन तैयार हो गया हमारा चीज़ पराठा बना रहे हैं चीज़ पराठा। तो इसके लिए आप इसी तरह से जितना बड़ा आपको चाहिए, रोटी की तरह आप कितना बेलते हैं पराठा, कितना बड़ा आपको चाहिए इतने बड़े बड़ा बना के, दो इस तरह के बनेंगे। तो इसमें हम चिकन भरेंगे, चिकन को मैंने बॉईल किया, उसमें 1 टेबल स्पून चाट मसाला डाला इसमें मैंने, 1 पाव मैंने चिकन ले ली, 1 टेबल स्पून इस तरह बॉईल करके 1 टेबल स्पून चिकन डाली इसमें, और वो सॉरी 1 टेबल स्पून चाट मसाला डाला
थोड़ी सी इसमें हल्दी मिलाई और मैंने जो है हाफ़ टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च मिलाई, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च और थोड़ा सा नमक मिला के मैंने इस तरह इसको बना लिया बिल्कुल बारीक। इसको हम इसकी फिलिंग करेंगे इसमें। इसमें भी हम थोड़ा सा जो है क्रीम चीज़ हो अगर आपके पास वो लगा लें, नहीं तो बटर लगा सकते हैं। नीचे भी चिकन आपको अपने हिसाब से रखनी हो, इस तरह से आप चिकन डालें अच्छी तरह से इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार हमारा ये चिकन का जो चीज़ पराठे जो हैं तैयार हो रहे हैं। घर में बनाएँ, साफ़ सुथरे, अपने बच्चों को अपने हाथों से खिलाएँ। बाहर के पता नहीं कैसे गंदे गंदे हाथ भी नहीं धोते और वो जो है बाहर के लोग नाराज़ हो जाएंगे। इस तरह से ये करके उसके ऊपर जो है आप चीज़ डाल दीजिए। चीज़ अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगती है तो ज़्यादा डालिए, जितनी भी आपकी मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी के लिहाज से ये आप चीज़ जो है इसमें डालें। बहुत मज़े के ये बच्चों को तो बहुत ही अच्छे लग। देखें, एक हमने ये बना लिया, अब इसके ऊपर से ये दूसरा हमने इस तरह से रोटी बेली है पराठे के ऊपर हम इस तरह से रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से करके और इसको जो है चारों तरफ से दबा देंगे कि ये सब चीज़ें बाहर ना निकलें। और ये फोक से इस तरह से कर देंगे तो ये अच्छा सा डिज़ाइन भी बन जाएगा, इसके ऊपर खूबसूरती भी आ जाएगी और थोड़ा ये दब भी जाएगा। चले आए बनाते हैं अभी ये वाला पराठा। हमारा चिकन पराठा भी जो है, अब चिकन चीज़ पराठा भी है फ्राई पैन पे हमने डाल दिया है। अभी इंशाल्लाह ताला ये 5 मिनट लगेंगे इसको, दोनों तरफ से दो दो मिनट हम सेकेंगे इसको, फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, बस हमारा ये चीज़ पराठा जो है बिल्कुल तैयार होने वाला है इंशाल्लाह ताला। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, ये बहुत आसान चीज़ें हैं, हम अपने घर में बना सकते हैं आराम से। बाहर ये महंगा भी बहुत मिलता है और बच्चे जो हैं बाहर की चीज़ों से बच सकते हैं अगर आप घर में बना। अच्छा जी, तो देखिए ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से और डिलीशियस से जो हैं चीज़ चिकन पराठे जो हैं और ये तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार बने हैं ये। थोड़ी मेहनत लगी है लेकिन अपने घर वालों के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए मेहनत करना तो अच्छा लगता है। आप भी साफ़ सुथरी चीज़ें बहुत ही मोहब्बत से अपने घर वालों के लिए बनाइए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक पराठा मैंने ये बनाया है, इसमें हरा धनिया और काली मिर्ची मिलाई थी मैंने चीज़ के साथ। और ये तो आपको बताएं दोनों मैंने पराठे किस तरह बनाए। आप लोग भी इसी तरह बनाइए, मज़े मज़े की चीज़ें अपने घर वालों को खिलाइए, ख़ुद भी खाइए साफ़ सुथरी चीज़ें। और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताइए कि मैंने कैसे बनाए हैं। और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आप सबको सलामत रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।